नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मीठी सेवइयाँ या फिर जिसे किमामी सेवइयाँ कहते हैं उसकी रेसिपी बनाएंगे। ये ईद पर या फिर और भी त्योहारों पर बनती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट और घी के साथ बनती है, तो बहुत रिच होती है। तो आइए बनाते हैं इसे, फटाफट बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले आधा कटोरी घी गरम करेंगे। तो आप मोटे तले की कढ़ाई लें और ये देखिए, मैंने बादाम को भिगो करके छिलका हटाकर काट लिया है। किशमिश है, काली किशमिश है, काजू है, चिरौंजी है और थोड़े से मैंने मगज लिए। आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो घी गर्म होने पर देखिए, हम इन्हें सारे ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई करें ताकि इनमें घी का थोड़ा टेस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलना है और आपको ज़्यादा भुने हुए पसंद है तो आप ज़्यादा भी भून सकते हैं। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इन्हें अब एक साइड में रख देंगे हम और आगे की रेसिपी बनाते हैं। तो देखिए, मैंने 2 कटोरी या 2 कप सेवइयाँ ली हैं, जो बारीक लंबी वाली सेवइयाँ आती हैं उन्हें तोड़ लिया है और इन्हें इसे हम घी में रोस्ट करेंगे। तो आप एक ही कटोरी या कप से नाप लें। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा हल्का सा, और अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसे ज़्यादा देर भून सकते हैं, पर ये 3 से 4 मिनट में भुन जाएगी। तो जिस कप से देखिए मैंने सेवइयाँ ली थी 2 कप, उसी से हम 1 कप चीनी लेंगे। ये परफेक्ट चीनी हो जाती है, इसमें आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, तो 2 कप पानी डालना है हमें, जितनी सेवइयाँ उतना पानी। तो पहले हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत तेज उछलता है, गर्म होता है। तो अब हम 1 कप पानी और डाल देंगे इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पर आप रोज़ का एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसा टेस्ट आपको पसंद हो। और थोड़ा सा फूड कलर डाला, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसे मिला करके हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। 3 से 4 मिनट में देखेंगे कि ये पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और अगले और 3-4 मिनट में देखेंगे पानी बिल्कुल सूख जाएगा और सेवइयाँ हमारी लगभग पक जाएगी। तो 7-8 मिनट में ही ये बन जाती है और मीडियम फ्लेम पर आप रखें। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिलाएंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट हम रख लेंगे गार्निश के लिए। तो देखिए, गैस बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, क्योंकि जब थोड़ी देर ठंडी होगी ये और इसे ढक कर छोड़ेंगे तो ये थोड़ी देर में इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। ये देखिए, 10-15 मिनट के बाद इसका पानी सूख चुका है पूरी तरह से, बिल्कुल खिली खिली हो गई है। और इसे आप और देर छोड़ेंगे तो ये और खिली खिली हो जाएगी। तो ये देखिए, टेस्टी सी सेवइयाँ हमारी तैयार है। और अगर इसे आप ठंडी करके दोबारा गर्म करके खाएंगे तो ये बिल्कुल खिली हुई बनती है। तो आप बनाइए इसे।